ओके, वेलकम बैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर डिस्कशन. वी हैड सीन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन. इफ वी कैरी आउट ब्रोमिनेशन, वी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, देन वी गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. टू अवॉइड दैट एंड टू गेट ओनली पैरा डेरिवेटिव, we have to take one more step. We have to block this amine group which is more reactive. That part we had seen. Now we'll move to the second reaction, and that is nitration using concentrated nitric acid. So dear students, here we have taken aniline. It is nitrated by using concentrated nitric acid, using concentrated sulfuric acid, giving a stable para-nitroaniline and unstable product ortho-nitroaniline, and this is found to be just 2%, whereas this para-nitroaniline is found to be 51%. And more interestingly, what we get here, along with this ortho and para derivative, we get here मेटा डेरिवेटिव ऑल्सो, है ना. तो ये एक यूनिक फीचर हो गया ये रिएक्शन में. दिस इज एनएच टू ग्रुप एंड हियर वी गेट मेटा नाइट्रो एनिलीन. तो सरप्राइजिंगली वी गेट दिस एम नाइट्रो एनिलीन एज 47%, है ना. So it's a big percent as compared to ortho nitro. So along with ortho and para nitro aniline, we are getting meta nitro aniline, and this is something very high percent. Now the point comes, why this M nitro aniline is formed in nitration of aniline when we know this NH2 group is ortho para directing. So the reason behind it is in presence of concentrated sulfuric acid. In presence of concentrated sulfuric acid, this aniline get protonated. Iska protonation hoga. Get protonated into anilinium ion. Get protonated into anilinium ion. So here is anilinium ion, and this anilinium ion is more stable than aniline itself, है ना. तो ये aniline से ज्यादा stable है anilinium ion, and this will be meta directing. And therefore we get M nitro aniline. यहां से क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा. क्वेश्चन क्या बनता है फिर कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वाई एम नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्म्ड अलोंग विथ ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव. तो उसका रीजन क्या रहेगा कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड इनटू एनिलीनियम आयन, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन एनिलीन इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई वी गेट एम नाइट्रो एनिलीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन. सो दिस इज द नाइट्रेशन रिएक्शन. But this is not a complete reaction. We are getting mixture of ortho, para and meta derivative. If we want to have what? Only mono, that is only para derivative. If we want to have only para derivative, तब क्या करना होगा? जो bromination में पढ़ा था वही logic लगाना है. If we want to have only para derivative, then what? Aniline का पहले acetylation करो,
एसिटिलेशन हो गया, एसिटनिलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटनिलाइड का फिर नाइट्रेशन करना, तब जाके हमको ऑर्थो डेरिवेटिव ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, देन ओनली वी गेट ऑर्थो डेरिवेटिव एज द ओनली प्रोडक्ट हियर. सो लेट अस राइट दैट पार्ट. विल टेक वंस अगेन एनिलीन हियर. पहले एनिलीन को फिर से बोलेंगे आप लोग. अब क्या करना होगा, NH2 ग्रुप है उसका एसिटिलेशन कर लेंगे. एसिटिलेशन करने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड ये एनिलीन को काई में कन्वर्ट करता है. प्रोडक्ट का नाम बोलते जाना है, एसिटानिलाइड, है ना, एसिटानिलाइड. अब ये एसिटानिलाइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो बहुत इजी है. कैसे याद रखना है उसको, एक हाइड्रोजन के जगह पे, है ना, NH एंड COCH3 ये बन गया एसिटानिलाइड. H के जगह पे एसिटिल ग्रुप आ गया. एसिटिलेशन मींस व्हाट, एसिटिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन, एसिटानिलाइड. अब आप इसका नाइट्रेशन कर लीजिए यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, HONO2 लिखते हैं. अब नाइट्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमें पता है प्रोडक्ट पैरा डेरिवेटिव मिलेगा. व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग ग्रुप, दैट विल रिमेन एज इट इज NHCOCH3 एसिटानिलाइड, और ये पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया. बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. What will be, what product we need to have? Para derivative, para amine चाहिए, para nitro amine चाहिए हमें. तो इसको अब क्या करेंगे, acid hydrolysis. So carry out acid hydrolysis. So when we carry out acid hydrolysis, what product we will get here? Yes, we get para nitro aniline. देखो ये एसिटानिलाइड ग्रुप वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोलिसिस से, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और यहां पर ये एसिटिक एसिड. सो दिस इज व्हाट पैरा नाइट्रो, दिस इज व्हाट पैरा नाइट्रो एनिलीन. पैरा नाइट्रो एनिलीन इज द ओनली प्रोडक्ट वी गेट आफ्टर कैरिंग आउट एसिटिलेशन. एसिटिलेशन किया आपने तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिला. सो नाइट्रेशन है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन. डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो पैरा और मेटा डेरिवेटिव भी मिलता है. मेटा क्यों मिलता है ये समझ लिए हमने. अब हमको अगर सिर्फ पैरा डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले एनिलीन का एसिटिलेशन करेंगे. एसिटिलेशन करके एसिटानिलाइड बनेगा. एसिटानिलाइड बन गया, अब नाइट्रेशन करेंगे, और नाइट्रेशन करने के बाद उसका फाइनल स्टेज में एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी ये स्टेप वन, ये स्टेप टू और ये स्टेप थ्री. थर्ड स्टेप में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है बिकॉज NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. Now let us take the next electrophilic aromatic substitution, and that is sulfonation. Sulfonation by using concentrated H2SO4 sulfuric acid. Sulfonation. So in this reaction, what happens when aniline is allowed to react? Aniline is allowed to react with concentrated sulfuric acid. When it is allowed to react with concentrated sulfuric acid, H2SO4, what happens here? We get anilinium hydrogen sulfate. जैसा मैंने कहा था ना कि क्या होगा, इसका protonation हो जाता है. ये aniline group का protonation होगा, इसमें से एक proton आ जाएगा बाहर, HOSO3H. तो वन प्रोटॉन विल मेक दिस एनिलीनियम, करेक्ट, एंड
HSO4 will be the remaining portion to this. So we get here anilinium hydrogen sulfate, anilinium hydrogen sulfate. This product we get as a intermediate product, and this on heating at 453 to 473 Kelvin in presence of again sulfuric acid will provide para derivative. So para position pe sulfonic group aa jayega, NH2 group ke para position pe sulfonic group SO3H bond sulfur se banana hai, valency sulfur ke paas free hai, to ye kya bana para nitro, I'm sorry, para amino, para amino benzene sulfonic acid, para amino benzene sulfonic acid. अब इंटरेस्टिंगली नोमेनक्लेचर देखो बदल गया, क्या हो गया, दो ग्रुप थे अभी तक हम एनिलीन बोल रहे थे, जैसे यहां पर पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड NH2 ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन सल्फोनिक ग्रुप इज टॉप ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो दिस विल गेट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पोजिशन एंड नाउ दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट NH2 अपने घर में ही ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो पहले आने वाले ग्रुप के लिए मेन था, जैसे पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलते थे, पैरा नाइट्रो एनिलीन, अब इसके सामने ये एनिलीन ग्रुप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट. इसीलिए हमने क्या बोला उसे, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Now this para amino benzene sulfonic acid is the final product of sulfonation of aniline. Done, aniline ka sulfonation ho gaya. Ab isme ek aur aspect thoda sa interesting hum pad lete hain ki due to a proton transfer this molecule get converted to a dipolar ion. It get converted to dipolar ion. वो कैसे dipolar ion में convert हो रहा है? Due to a proton transfer. और वो proton transfer NH3 plus यानी proton मिल गया इसको. अब गया भी यहाँ, इसको मिला है तो कहीं से निकला भी होगा. तो यहाँ से ये proton का lose किया. SO3H ने प्रोटॉन लूज किया, माइनस साइन आ गया. NH2 ने प्रोटॉन गेन किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो एक ही मॉलिक्यूल पे हम क्या देखते हैं, देयर इज वन पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर इज अ नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज डाइपोलर आयन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ज्विटर आयन, विच इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इतना डायपोलर है, एसिड आएगा तो इधर अटैक करेगा, बेस आएगा तो इधर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो एनायंस जितने रहेंगे वो सब इस पे अटैक करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो पूरे कैटायन अटैक करने के लिए तैयार, यानी ये हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई द टर्म गिवन डायपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन. ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका एसिडिक एंड हो गया, टर्मिनल हो गया, एसिडिक टर्मिनल, और ये इसका बेसिक टर्मिनल हो गया और एंड हो गया, है ना. तो दिस सच मॉलिक और सच स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज डाइपोलर आयन एंड कॉल्ड एज ज्विटर आयन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर फाइनली वी कंप्लीट electrophilic aromatic substitution. This video is a very short because due to some technical reason I could not complete the previous one. So you better collect this information and be prepared for this topic, amines. So amines is
कंप्लीटेड बाय ऑल मींस हियर, है ना। और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।